नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी का अपने ही YouTube चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे में काम करना चाहते हैं, रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है रेलवे की तरफ से, जहां पे ITI और नॉन ITI दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। इसमें ITI की जो ITI 10वीं प्लस ITI की है और नॉन ITI जो यहाँ पे ITI नहीं किए हैं वो भी कैंडिडेट की हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अप्लाई कब से कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन है ठीक फ्रेंड्स, इसमें आपको फी कितना लगेगा, उम्र कितना होगा और भी यहाँ पे सभी जानकारी हम आपको बताते चलेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो वैकेंसी है निकल कर रहे बनारस रेल इंजन कारखाना बनारसी की तरफ से, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिक्ति, यानी रिक्ति का जो विवरण आपको मिल जाएगा ITI और नॉन ITI के लिए। तो ITI का जो विवरण यहाँ पे रिक्ति किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, किस ट्रेड के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे फिटर के लिए कितनी वैकेंसी है ट्रेड में और यहाँ पे आपको कैटेगरी अनुसार, उसी तरह यहाँ पे ट्रेड में देख लीजिएगा कि कारपेंटर की कितनी वैकेंसी है, पेंटर मैकेनिस्ट वेल्डर इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो 300 है ट्रेड के अनुसार। उसी के अनुसार यहाँ पे नॉन ITI जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनकी कितनी सीट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कारपेंटर की है, सरफेस फिटर की है, कारपेंटर की नहीं है, पेंटर की भी नहीं है, मैकेनिस्ट वेल्डर इलेक्ट्रीशियन इन टोटल जो है वो 74 सीट है नॉन ITI के लिए। नीचे जरा स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जब आपको आइएगा तो शैक्षणिक योग्यता मिल जाएगा। इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता बताया गया है कि जो फर्स्ट है नॉन ITI के लिए तो आप मैट्रिकुलेशन अथवा प्लस टू किसी भी परीक्षा प्रणाली यानी हाई स्कूल में 50% अंक के साथ या उससे अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त रखा गया है कि आपका जो क्वालिफिकेशन होगा यानी सर्टिफिकेट वो 26 मार्च 2022 से पूर्व की होनी चाहिए। दूसरा जो है ITI के लिए तो इसमें आपको मांगा गया है कि मैट्रिकुलेशन अथवा प्लस टू प्रणाली यानी हाई स्कूल के समकक्ष अथवा 50% से अधिक अंकों के साथ तथा ITI संबंधित जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे उस ट्रेड में आपको पास होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है वो 26 मार्च 2022 से पूर्व की होनी चाहिए। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए कि जो यहाँ पे अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी होंगे वो आवेदन के पात्र नहीं माने जाएंगे। नीचे जब आइएगा इसमें आपको मिलेगा कि आपको जो भी शैक्षणिक योग्यता का वेटेज आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर आप देते हैं तो भी यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता में किसी प्रकार का मेरिट में कोई इंक्रीजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आवेदन करने की जो उम्र सीमा बताई गई है वो यहाँ पे बताया गया है कि आपकी उम्र का जो कैलकुलेशन 26 अप्रैल 2022 के अनुसार किया जाएगा और 26 अप्रैल 2022 के अनुसार नॉन ITI आलो के लिए अधिकतम यहाँ पे 22 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 22 वर्ष होना चाहिए, 22 वर्ष से अधिक अगर होगा तो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। वहीं ITI के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे ट्रेड के लिए उनकी उम्र कम से कम 15 वर्ष और अधिकतम उनका 24 वर्ष होना चाहिए, 24 वर्ष से अधिक उनका नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वेल्डर जो ट्रेड से करेंगे या कारपेंटर के तो उनका यहाँ पे 15 से 22 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पे हम एक और डाउट आपका क्लियर कर दें कि जो भी यहाँ पे OBC या SC या ST कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे छूट दिया जाएगा। SC ST को 5 वर्ष की जोड़ना पड़ेगा, यानी अगर मिनिमम 22 है तो 27 वर्ष, OBC को 3 वर्ष यानी लगभग 22 से अगर 24 है तो 24 3 27 वर्ष उनका भी हो जाएगा, 22 है तो 25 इस तरह के जोड़ लीजिएगा। उम्र सीमा यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि ये कितना छूट दिया जाएगा किस कैटेगरी के लिए। नीचे जब स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो कोटा जो वैकेंसी आती है दिव्यांग कोटा के लिए वो वैकेंसी की डिटेल्स। नीचे और स्क्रॉल कीजिएगा तो चयन का आधार आपको मिल जाएगा कि आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपको मैट्रिकुलेशन के प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद लेकिन जो यहाँ पे ITI वाले कैंडिडेट होंगे तो उनका ITI और 10वीं का मार्क्स
या बारहवीं का जो दिए होंगे उनका मार्क्स ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा, और जो नॉन आईटीआई वाले होंगे उनकी दसवीं प्लस बारहवीं की मार्क्स कैलकुलेट करके उनका मेरिट तैयार किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि नॉन आईटीआई चयन में यदि आईटीआई उम्मीद जो अभ्यर्थी को लिया जाएगा तो उनका जो आईटीआई का प्राप्तांक का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। यानी यहाँ पे जो दसवीं के स्टूडेंट का अगर मान लीजिए यहाँ पे आईटीआई का जो स्टूडेंट है और उनका सिलेक्शन जो होता है नॉन आईटीआई पोस्ट के लिए किया जाता है, यानी जो आईटीआई नहीं किए हैं उसके मेरिट में आ जाता है, तो वहां पे उनके आईटीआई को कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। उसके बाद नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे आपको प्रशिक्षण के बारे में बताया गया है कि आपको प्रशिक्षण कितना के लिए होगा, कितना आपको वेतन मिलेगा। तो यहाँ पे प्रशिक्षण के दौरान वेतन जो होगा वो लगभग आपको 9000 के आसपास आपको दिया जाएगा। नीचे जब स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आवेदन से संबंधित जानकारी कि आवेदन आपको करते वक्त कितना शुल्क देना होगा। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे एससी और एसटी वालों को कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है, ओबीसी और जनरल कैंडिडेट का जो चार्ज यहाँ पे 100 रुपया लगेगा। आवेदन करने की जो तिथि है वो यहाँ पे आपका लास्ट डेट है 26 अप्रैल 2022, और यहाँ पे 6:16:45 पे आप कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑटोमेटिक क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद जो इसका अप्लाई है वो प्रक्रिया शुरू हो चुका है, तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अपडेट यहाँ पे अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको आ जाना होगा आप अपने क्रोम ब्राउजर पे। तो इसके लिए आपको आ जाना होगा इंडियन रेलवे यानी बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप indianrailway.gov.in के इस वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट पे आ जाएगा। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला सेक्शन, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद जो इसका पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने में थोड़ा समय लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा पीडीएफ है वो डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे 7 MB का है, डाउनलोड होने में थोड़ा समय लगेगा। डाउनलोड होने के बाद जब ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया है। जो भी जानकारी अगर आपको लगता है इसमें से मिसिंग है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहां पे आप आके टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी लेटेस्ट जो अपडेट होता है वो टेलीग्राम ग्रुप में हम पोस्ट करते रहते हैं, तो भी आप पढ़ सकते हैं। अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।